तो ये कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और लाइफ टाइम के लिए आप अपने अनलिमिटेड सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। काफी टाइम से काफी आर्टिस्ट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिलीव म्यूजिक डैशबोर्ड के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आओ। बिलीव म्यूजिक एक वर्ल्ड वाइड टॉप की म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से एक आती है और ये काफी ज्यादा इंडिया में पॉपुलर हो चुकी है जब से ये कुछ आर्टिस्ट को इनका डैशबोर्ड मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इनके जो कॉम्पिटिटर है लाइक ऑर्किड म्यूजिक ले लो, आप सूगा म्यूजिक ले लो, ये भी काफी ज्यादा टॉप के म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है। और इनका जो डैशबोर्ड मिलना है वो आसान बात नहीं है, एक आम आर्टिस्ट को इनका डैशबोर्ड मिलना बिल्कुल भी एक इजी टास्क नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया में ये अप्रॉक्सीमेटली 230 प्लस म्यूजिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को मिला है जैसा कि आप पढ़ सकते हो, और ये मुंबई में बेस्ड है, मोहाली में बेस्ड है, चेन्नई में बेस्ड है, मतलब कि लाखों आर्टिस्ट है इंडिया में, बट ये सिर्फ 230 प्लस म्यूजिक इंडस्ट्री के पास है इनका डैशबोर्ड। तो इनका डैशबोर्ड मिलना कोई एक इजी टास्क बिल्कुल भी नहीं कह सकता। अगर आप ये डैशबोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हो आर्टिस्ट एंड लेबल के टैब में, और यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बट मैं बताना चाहूंगा कि बिलीव म्यूजिक की तरह ही एक मार्केट पर न्यू कंपनी आई है जो कि हाई रेवेन्यू जनरेटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, हाई रेवेन्यू जनरेटिंग जो लेबल्स होते हैं उनको साइन कर रही है। तो ये कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और लाइफ टाइम के लिए आप अपने अनलिमिटेड सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। तो कैसे ये कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, और ये कंपनी आपको क्या फीचर्स क्या बेनिफिट्स देगी वो भी जानेंगे, और क्या इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस रहती है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या ये कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। ब्लैक ट्यून यह है कंपनी का नेम, और वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स की यह है एक पेरेंट कंपनी ब्लैक ट्यून म्यूजिक। लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और उससे रिवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, या तो आप एक आर्टिस्ट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने चाहिए, और आप अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो और उससे रिवेन्यू जनरेट करते हो। कितना रिवेन्यू जनरेट करते हो वो हम सेकंड रिक्वायरमेंट में जानेंगे। और सेकंड पॉइंट, या तो आप एक म्यूजिक लेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने टी सीरीज का नाम सुना होगा, शेमारू का नाम सुना होगा, सारेगामा का नाम सुना होगा, स्पीड रिकॉर्ड्स, ऐसे बहुत सारे लेबल्स होते हैं जो मल्टीपल आर्टिस्ट के सॉन्ग्स रिलीज करवाते हैं, और उससे रिवेन्यू जो जनरेट होता है वो खुद रखते हैं और आर्टिस्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशंस। सो अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो और अपने सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी अच्छी अमाउंट अर्न कर लेते हो तो आप ये कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड, अगर आप म्यूजिक लेबल हो और अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर लेते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट के थ्रू तो आप ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड रिक्वायरमेंट, अगर आप अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मंथली $1,000 कमा रहे हो तो आप ये कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। $1,000 अप्रॉक्सीमेटली 83,000 रुपीज़ बनते हैं इंडियन करेंसी में, बट अगर आप 60,000 भी कमा रहे हो, 70,000 भी कमा रहे हो, तब भी आप ये ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 1,00,000 कमा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये ऑनबोर्ड कर लेंगे, बट आप मिनिमम 60-70,000 कमा रहे होने चाहिए अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने हर स्टोर से, मतलब कि स्पॉटिफाई भी हो गया, अमेजन म्यूजिक भी हो गया, मतलब सबको इंक्लूड करने के बाद एटलीस्ट $1,000 या 60-70,000 रुपये कमा रहे होने चाहिए, तब आप ये कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। या आप एक म्यूजिक लेबल हो और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट्स के थ्रू आप $1,000 कमा रहे हो महीने में तो आप ये कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड रिक्वायरमेंट, आपको एक ज्वाइनिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर जाकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये फॉर्म को आप फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो मतलब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है सबमिट करने के बाद आपको ये ब्लैक ट्यून म्यूजिक कंपनी की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और बताएगी कि अगर आप एलिजिबल हो तो कितना रिवेन्यू ये शेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इनके साथ ऑनबोर्ड हो जाते हो, आपको ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपके रिवेन्यू से कुछ परसेंटेज रखेंगे। फॉर एग्जांपल 80-20 भी रख सकते हैं, 90-10 भी रख सकते हैं, और 70-30 भी रख सकते हैं, 70 आपके 30 इनके, या 90 आपके 10 इनके, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिवेन्यू अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अर्न करते हो मंथली। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कितना ये रिवेन्यू शेयरिंग आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो थी रिक्वायरमेंट्स, अब जानते हैं व्हाई यू शुड ज्वाइन ब्लैक ट्यून म्यूजिक, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या आपको ये बेनिफिट्स देने वाले हैं। ये लाइफ टाइम के लिए आपके सॉन्ग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ऑल द मेजर डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, आईट्यून्स हो गया, गाना हो गया, जियो सावन हो गया। इंस्टाग्राम पर आपके सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, फेसबुक पर एक आपके सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, टिकटॉक, रेसो, और जितने भी लेटेस्ट मतलब म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स है, और
वर्ल्ड वाइड जो भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म चलते हैं, एप्लीकेशन चलती है, वहां पर आपके सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक्सक्लूसिवली आपको यूट्यूब की कॉन्टेंट आईडी देंगे, इंस्टाग्राम में आर्टिस्ट अकाउंट आपका लिंक करवा के देंगे, स्पॉटिफाई की वेरिफिकेशन करवा के देंगे, आपके आर्टिस्ट वेरिफिकेशन करवा के देंगे, आपके 2 से 4 वर्किंग डेज में आपका जो सॉन्ग है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा के देंगे ऑन ऑल द मेजर डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स। और साथ में आपका जो भी रेवेन्यू होगा वो मंथली आपको पे आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना भी आप कमाते वो आपको मंथली पे आउट करेंगे। और क्लैरिटी तो मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि कितना आपने कमाया है, उसमें कितना ये अपना शेयर रखेंगे, कितना ये आपको देने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, काफ़ी अमेजिंग बेनिफिट, काफ़ी अमेजिंग फीचर मैं कह सकता हूँ, ऑल इन वन डैशबोर्ड। बिलीव म्यूजिक की तरह ये आपको एक ऑल इन वन डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली देखने में भी लग रहा है, और मैं देखने के बाद ये कह सकता हूँ कि मुझे ये बिलीव म्यूजिक के डैशबोर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है। बाकी यूज़र इसे यूज़ करेंगे वो उसका रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं, बट मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये डैशबोर्ड यूज़ करके आप अपने सॉन्ग्स को मैनेज कर सकते हो, अपने आर्टिस्ट को मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक म्यूज़िक लेबल हो तो अपने आर्टिस्ट का मतलब रिवेन्यू चेकआउट कर सकते हो कि किस आर्टिस्ट ने कितना आपको कमा के दिया, किस म्यूज़िक के सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्स है, किसके सबसे कम है। मतलब वन ऑल इन वन डैशबोर्ड मैं कह सकता हूँ कि हर मतलब म्यूज़िक प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे स्पॉटिफाई के आप स्ट्रीम्स चेक कर सकते हो, iTunes के स्ट्रीम्स चेक कर सकते हो, गाना के चेक कर सकते हो। मतलब आपको डिफरेंट चीज़ें आपको एक ही डैशबोर्ड में मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ब्लैक ट्यून म्यूज़िक की वेबसाइट दिखा देता हूँ। ऑल राइट, तो अगर आप एक हाई रेवेन्यू जनरेटिंग आर्टिस्ट हो या एक म्यूजिक लेबल हो तो ये कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाकर आप ये चेकआउट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कैंपस इमो, पीस आउट।